फाइल है लोग के साहब, ये नोटिस आया है, फाइल तो हमारे पास आया। हाँ सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमैटर फिट ऐप, चूज योर सर्विस, चूज योर टाइम एंड चूज योर लोकेशन। सेशन स्टार्ट एट जस्ट ₹99। देखिए अजमेर में अवैध रूप से शायद ही समारोह चल रहे हैं। विगत दिनों अभी लक्ष्मी नयन में एक हादसा हुआ कि एक शराबी ने, उनका रिश्तेदारी था और उसने गाड़ी चढ़ा दी, 15 लोग जख्मी हुए और अस्पताल में आए। रिश्तेदारों को तो वो ले गए, परंतु जो बेचारे घोड़ी वाले थे, लाइट वाले थे, वो दुख पाते रहे। हमने अस्पताल में भी उनकी जितनी मदद कर सकते थे की। फाइसागर रोड, धोलाबाटा और गुलाबबाड़ी में जितने ये गार्डन चल रहे हैं, किसी के पास इनका कानून है 60 फुट की रोड से दूरी हो तो उसकी पार्किंग स्थल का? मैंने इस संबंध में माननीय जिलाधीश महोदय को, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को और आयुक्त महोदय को बताया कि साहब, ये सार्वजनिक जीवन में जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि रात में वहाँ कोई व्यवधान ना हो, कोई बरातों के DJ सेट और ये ना हो, पर इनके ना तो पार्किंग है, लोगों को मार रहे हैं, लोगों की जान खतरे में पड़ रही है, जनहित में ये कार्रवाई। तीनों अधिकारियों ने उस पर संज्ञान लिया और ये कह कर के कि हम जो है इनको नोटिस जारी करते हैं। आज जहाँ चलने के रास्ते नहीं हैं वहाँ इन्होंने शादी समारोह स्थल बना दिए हैं। उन शादी समारोह स्थलों में लोग शराब पीते हैं, शराब पी के आसपास, लक्ष्मी नयन जो है इतनी संभ्रांत कॉलोनी है, पर फतह समझ नहीं आ रहा कि हर विभाग, आपने जो नगर निगम के उपायुक्त हैं उनका अगर वीडियो देखा हो तो उनके वीडियो में उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, पुलिस का काम है। अरे भाई, लाइसेंस तुम देते हो, रेवेन्यू तुम देते हो, तो पुलिस क्या करेगी इसमें? आप सीज क्यों नहीं करते हो इसको? तो ऐसे जो नाजायज़ अधिकृत नहीं है, 120 में से कितने लोगों के पास लाइसेंस है, ये एक बहुत शोचनीय प्रश्न है। जब लाइसेंस नहीं है तो उनको सीज करना चाहिए। वहाँ पर जो गतिविधियाँ हो रही हैं वो अवैध हैं और आस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैंने राज्य सरकार को भी पत्र लिखा है और जिला प्रशासन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ा तुरंत प्रसंज्ञान लिया है और इस विषय में अब आगे जो भी कार्रवाई होगी, मेरे को ऐसा लगता है कि जिलाधीश महोदय उस पर बड़ी त्वरित कार्रवाई कराएंगे। और इन गली मोहल्लों में आप, जैसे आप गुलाबबाड़ी चले जाओ तो वहाँ 20 फुट की रोड है और 20 फुट की रोड पर ही, मतलब रोड से सटे हुए ही आपके विवाह समारोह स्थल हैं। लक्ष्मी नयन में गाड़ी मोड़ने की जगह नहीं है, तो लक्ष्मी नयन को बंद करना चाहिए। आपके हीना गार्डन, धोलाबाटा में और फाइसागर रोड पे तो आदमी चल नहीं सकता शादियों के समारोह के समय में। आज शादियों का, जैसे वो देव उठनी 11 से लेकर के और कल तक जब तक शादियां थीं, आपको वहाँ, ये तो अभी कोरोना की वजह से 100 की पाबंदी है, नहीं तो आजकल 800-800, 700-700 की बारात जाती है। ऐसे बारात में कितने घंटों के जाम लगे रहते हैं। मेरा इस संबंध में प्रशासन से, सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में आदमियों को जो है सुविधा प्रदान करें, कानून की पालना कराएं और जो लोग मुसीबत में फंस जाते हैं, किसी को अस्पताल जाना है, किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी को कहीं और जाना है, वो जाम में फंस जाते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएं।